ये मेरी बीरू और ये मेरे सरकार जी, खाना परोस दिए, खाएंगे। है ये बीर बीरू, चला जाए अब घर। शाना इसको खा लीजिए, इसको निकालिए चम्मच दे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हॉस्पिटल डैडी के लिए खाना ला के, खाना लेके आ गए हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स सरकार जी के लिए मौसम्मी का जूस निकाल रहे हैं। सरकार जी बोले हैं मौसम्मी का जूस लेके आओ, खरबूजा काट के लेके आओ, हम भोग लगाएंगे। मैं भी बोली ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ, आपको भोग लगाना है। चलो बीरू जल्दी मुंह धो, कपड़ा पहनो, डैडी को खाना पहुंचाने जाना है। कपड़ा पहनो, कपड़ा बंडी कच्ची में नहीं जाएंगे। लाडो लड्डू लाडो अपने अंडे को से रही है, गरमा रही है, इतनी दुष्ट है लाडो। कल आंधी पानी आया और उस आंधी में ना पर्दा थोड़ा सा हिल गया, उड़ गया, उड़ के भाग गई। पूरी रात उसका अंडा वैसे ही था। आई है सुबह तो बैठी है 8 बजे, जब मैं चली गई मोहे को छोड़ने तब। ऐसा भी कोई पक्षी होता है अपना अंडा छोड़ के घोंसले से भाग जाता है आंधी पानी में? ये लाडो है, बिगड़ायल लाडो। मैं बीरू काहे हिल रही हो, सूसू लगी तो कर लो ना। वैसे ना फ्रेंड्स मौसम्मी से ज्यादा टेस्टी ऑरेंज लग रहा है, इसका स्वाद मुझे नहीं पसंद आ रहा है, कर्च मार रहा है मौसम्मी हल्का हल्का। अब चूंकि खरीद लिए हैं तो सधाना तो पड़ेगा ना, पैसा लगा है, फेंकेंगे नहीं। हम पी रहे हैं, हमारे हस्बैंड जी पी रहे हैं, बच्चे नहीं पी रहे हैं, बच्चों को संतरे का जूस ही अच्छा लग रहा है, क्या किया जाए। जाओ ठीक है, हाँ सब ठीक है, नेक्स्ट टाइम संतरा ही लाएंगे। बीरू कह रही है संतरा सबसे मीठा है, संतरा ही लाएंगे, कोई बात नहीं। अब हम लोग मौसमी खत्म कर दे तभी संतरा आएगा, ठीक है? तब तक तुम अनार खाओ। अष्टमी है, नवरात्रि का अष्टमी है और कल शायद रामनवमी है, कल शायद छुट्टी रहेगी स्कूल में मोहि के। देखते हैं उसका स्कूल का प्रशासन क्या कहता है, छुट्टी देगा कि नहीं देगा, ये दोपहर में ही 2 बजे पता चलेगा। बीरू जल्दी कपड़ा पहनो, सुसु की पानी गिराई हो, पानी गिराई हो सुसु करके, लाइट ऑफ करो, कपड़ा पहनो, खाना निकाल रहे तुम्हारा, तुम भी खाना खा लो। डैडी का भी खाना टिफिन पैक कर लिए है, नेनुआ की सब्जी, रोटी, गुजिया, मौसम्मी का जूस, खरबूजा, एप्पल, कच्चा केला है उसका चिप्स बनाना है। आज चिप्स बनाएंगे तो कल भेजेंगे, या फिर हो सके आज चले आएंगे मेरे सरकार जी, आ जाए तो अच्छा है, घर पे ताजा ताजा तुरंत तुरंत गर्मा गर्म खा लेंगे, है ना बीरू? बीरू तू घूम रही है, कपड़ा पहनेगी कि नहीं? हाँ मेरी चौखट पे चलेगी आज। आया वो धूले थे कपड़ा, काहे तू पहन रही हो गीला कपड़ा,
गया क्या? मैंने इतनी गर्मी है फ्रेंड्स, रात के 12:30 बजे मैं कपड़ा धुली, 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक में, और उसमें से मुई का स्कूल ड्रेस भी था उसी में, उसको मैंने अर्गनी पे डाल दिया, जहां हम सोए थे उसी में अर्गनी बांध के उसी पे डाल दिए थे। मैं अपना ये लोअर टी शर्ट जो देख रहे हैं ना पहनी हुई, ये भी डाली थी धुल के, और रात भर में सो गया, सुबह पहन के अपना काम शुरू। अब बीरू का भी ना वहां पे ढेर रखा हुआ है कपड़े का, जो बीरू उसमें से निकाल के पहन रहे हैं, वो ऐसे ही रखे रखे सूख गया फर्श पे। अभी कपड़े फैलाना बाकी है, सारा कपड़ा फैलाना बाकी है, 2-4 कपड़े बस फैलाए थे जो जरूरत के थे। अब ये बीरू का स्कर्ट है वैसे रखे रखे सूख गया, लो पहनो। ड्रेन किया हुआ था वॉशिंग मशीन का, और रात भर पंखा चलता ही है तो उससे सूख जाता है सारा। अब डैडी को पहले खाना पहुंचा के तब आएंगे, तब कपड़ा फैलाएंगे। कपड़ा फैलाएंगे ना तो देर होने लगेगी, तुम दूर जाओ, जब उसको तुमको नहीं अच्छा लग रहा तो दूर जाओ, जल्दी पहनो, चलना है। नहीं खींचेंगे, जाओ, वो हम धुल दिए हैं, बस हो गया काम खत्म। तुम चलो खाना खाओ जल्दी भी। इसी बॉटल में भर ले, तुम कन्या भोजन में जाओगी, इसको इनवाइट की है ऊपर दीदी ने कन्या भोजन में। हम कह रहे हैं कन्या भोजन में जाना, पहले डैडी के पास से होके आते हैं, तब नहला देंगे, उसके से कन्या भोजन में चली जाएगी, तब तक बच जाएगा 9:30 या 10। अभी बज रहा है 9:15। हाँ, आधे घंटे में हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाना है, खाना देना है, तो चले आना है। मुझे एक ये पहन के जाना है कन्या भोजन में, और एक इसका व्हाइट वाली टी-शर्ट पहन के। एकदम चल, खाना खा लो जल्दी जल्दी जल्दी। सूखा नहीं है तो दिखाते हैं वीरू का नाटक। हाँ, क्या बोल रही हो? ये पहन लो, जो पहनना है पहन लो, पहले हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल से आके नहाओगी तभी तुमको दूसरा कपड़ा पहनने देंगे, ठीक है? तो हॉस्पिटल ऐसा कपड़ा पहन के चलो जिसको आके बाहर से उतार के सिर्फ नहाना हो, कल वाला कपड़ा पहन लो, जो कल वाला कपड़ा पहनी थी, ठीक, जहां भी हो पहन लो, ठीक है फ्रेंड्स। लड्डू, तुम्हारा घोंसला कौन टेढ़ा कर दिया यार, है कबूतर कि कौए? लड्डू, तुम्हारे अंडे कैसे हैं? ठीक है, क्या हालचाल है लाडो मेरी शोना? हिलोगी नहीं? अच्छा, पल के झपका दो, झपकाओ झपकाओ, और जूम करें, हाँ झपकाओ, पल के झपका दो मेरी लड्डू, मेरी सोनवा, मेरी दुगुड़ दुगुड़। थोड़ा हिलो, हाई गजब, क्या बात है, क्या आंख मारा, थोड़ा हिलो, वो नहीं ठीक है, गर्माओ, इतनी गर्मी वैसे ही पड़ रही है, और अपने अंडे को गर्माओ, क्या करना है, गर्माओ गर्माओ, जी भर गर्माओ। फ्रेंड्स, आपको लाडो से मिलवाते हैं, मोही को स्कूल छोड़ दिए हैं, वीरू सोई है, सो लेवे, तब चलेंगे डैडी के पास। ये है लाडो, भी हो गया कल्याण, आ गई 7:45 मालगाड़ी, नहीं जाएंगे घर। मम्मा, मेरे को लाडो खिलाना चाहते क्या? पहुंचाएंगे दुगना स्पीड से, इसको निकलने दो बस। मेरे और मोही में देखते ट्रेन लेफ्ट से आती है कि राइट से, मोही का राइट है, मेरा लेफ्ट है। सभी यहाँ पे मम्मी, रुक के देखता हूँ, अभी बज रहा है 7:36 और सभी हम चल रहे हैं, बहुत लेट हो गया ना, चलिए चलिए। रात के 12:30 बजे हम कपड़ा धुले हैं, तुम दोनों को सुलाने के बाद 12:30 से लेकर 1:30 तक कपड़ा धुले हैं, जो जरूरत था वो फैला भी दिए हैं।
चलो चलो खिलाएंगे। चलिए जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मूवी वीरू ब्लॉग। आज है ट्यूसडे 16 अप्रैल और मैं जा रही हूँ मोही को स्कूल पहुँचाने। वीरू सोई है। हे माता रानी, वीरू को सुला के रखिएगा बस, मैं आती हूँ 10 मिनट में। मेरे को भी नहीं दिखा क्या चीज ये है। तो आप साइकिल चलाया था, आपने दिखाया नहीं। साइकिल चला, ओहो क्या बात है, ये साइकिल चला रहा था लिफ्ट का वेट करते करते। ठीक है बाबा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे तुमको साइकिल चलाते हुए। हैं, शर्म आ रही है ना। तो वीरू अंदर सोई है, वीरू को सोने दिया जाए। मैं अभी आती हूँ मोहित को स्कूल छोड़ के और तब वीरू को लेके जाऊंगी डैडी के पास खाना पहुँचाना। बाबू फैन ऑफ कर दे, फैन ऑफ कर दे बाबू, फैन ऑफ कर क्या। ठीक है, कल आंधी तो आया लेकिन पानी नहीं आया, मौसम जस का तस बना है। अरे कंचे मिल गए मुझे तो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कंचे। मामा ये तो पिंटू फूटा है, कहाँ से? और देखिए इसका शेप भी अलग। आई यार इसका शेप ऐसा है, टूटा फूटा नहीं है, कुछ अजीब सा शेप है, अंडाकार है ना। अंडाकार। फ्रेंड्स आप लोग कंचे खेले हैं? मैं तो बहुत खेली हूँ। फ्री के कंचों की अलग ही मजा होता मैं है। तो फेंक देता हूँ। हमको हम रखेंगे कंचे डिग्गी में। हट जाओ हट जाओ भैया, लो